और हाँ, इससे पहले कि जितनी भी फेमिनिस्ट है वो कमेंट्स में लिखने लगे कि यार इंसान ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, मैं बता दूं कि यार ये मूवी एक्चुअली एक लड़की ने ही डायरेक्ट की है, इसलिए इस बारे में तो बिल्कुल मत बोलना। हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अमेजिंगली थ्रिलिंग एज वेल एज एन एक्साइटिंग वीडियो। सो यार, अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले वो कर लो और चलो आगे का वीडियो देख लो। ओके, सो अमेरिकन साइको को हमें अगर बहुत ही ऐसे मेटाफोरिकली समझना है, देन इट इज डेफिनेटली नॉट अ हॉरर मूवी, इट इज नॉट अ स्लैशर मूवी, इट इज बेसिकली अ डिपिक्शन जिसमें तुम्हें एक रियल लाइफ मॉडर्न मैन है उसको एक सोसाइटी के अंदर प्लेस किया हुआ दिखाया जाता है और तुम क्रिएट करो कि तुम्हारी कितनी फैंटेसीज उसमें क्रिएट हो सकती हैं। और वो फैंटेसी एक्चुअली ये है कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि तुम्हारा पैसा हो गया, फेम, सोशल स्टेटस, प्रोस्टिट्यूशन, ये तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी इनफ नहीं है और तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, एज वेल एज बहुत ज्यादा चाहिए होता है। लाइक यू फील एनवियस टू पीपल जब तुम देखते हो कि यार इस आदमी के पास ये चीज आ गई है, मेरे पास इससे छोटे लेवल पे चीज है या वो चीज नहीं है, इसलिए तुम और ज्यादा ट्राई करते हो कि हाँ यार मैं और मेहनत करूंगा और उस चीज को एक ना एक दिन पाके रहूंगा। और बहुत ही सिमिलर बेसिस पे ही ये मूवी लाई करती है, इसमें ये बताया गया कि हाउ यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट योर कॉम्पिटिशन इन द वेरी इजिएस्ट वे। एंड वो इजिएस्ट वे पता है क्या है? कि अपने कॉम्पिटिशन को जान से ही मार दो। और तो अपने सेक्सुअल पार्टनर्स के ब्रेन को लिटरली खा जाओ। तुम्हारे लाइफ में जितने भी सराउंडिंग पीपल है उन सबकी लाइफ बर्बाद कर दो, डजंट मैटर कि वो ज्यादा अमीर है या गरीब है। और मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रोस और अनहेल्दी बातें ही कर रहा हूँ, पर ये मूवी एक्चुअली इसी के बारे में। देखो, ऐसे समझो कि जो अमेरिकन साइको मूवी है, पहले तुम एक साइकोटिक स्टेट ले लो, एक चिलिंग थ्रिलर मूवी ले लो और एक फनी मूवी ले लो, इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करती है। ये मूवी एक्चुअली 1991 में एक नॉवल आई थी जिसका नाम भी अमेरिकन साइको ही था, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें फोकस किया गया बेसिकली एक ना वॉल स्ट्रीट सेल्फ ऑब्सेस बैंकर रहता है जिसका नाम रहता है पैट्रिक बेटमैन। अब वो बंदा जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा एक नार्सिसिस्ट है, सेल्फ ऑब्सेस तो है ही, और एक जो स्टीरियोटिपिकल 80s का यप्पी कल्चर होता है ना, उसको बहुत ज्यादा फोकस करने वाला बंदा रहता है। और उसकी एक ही लाइफ के अंदर ना दो अलग अलग मोड्स चलते रहते हैं, एक तो उसका जो एक बैंकर वाला मोड है और दूसरा एक सीरियल किलर वाला मोड है। और वो अगर किलर मोड में आ जाए फिर तो वो किसी को भी नहीं देखेगा, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट्स हो, उसके वर्क कलीग्स हो, नेबर्स हो, इनफैक्ट डॉग्स एंड कैट्स, सबको मार देता है। 80s का जो एक यप्पी कल्चर था वो ये मूवी बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश भी कर पाती है। और जो जनरेशन उस टाइम पीरियड के अराउंड बिल्ड है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ डेप्रिकेटिंग, ग्रीड और नार्सिसिज्म को भी बहुत ज्यादा डिपिक्ट करती है, एज वेल एज उस टाइम पीरियड की जो भी सोसाइटी थी उनके अंदर एक खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं थी ये भी दिखाती है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही टॉप नॉच है मूवी का, 80s का कल्चर अच्छे से डिपिक्ट भी हो पाता है और उसके एस्थेटिक्स भी हमें समझ में आते हैं। लाइक तुम्हारे न्यूयॉर्क की जो बिल्डिंग्स रहती है उनका जो एक बिल्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एज वेल एज ग्रेट चॉइस ऑफ म्यूजिक, हर चीज उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लिंक तो आराम से होते हुए तुम्हें दिखी जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस, क्रिश्चियन बेल एक्चुअली स्टील्स एवरी फ्रेम ऑफ द शो। भाई वो बंदे को एक्चुअली एक ही रोल के अंदर दो अलग अलग रोल्स डिपिक्ट करने थे, वो कैसे एक ही मेनियक साइट के अंदर मर्डर्स करता है और कैसे अपने बिजनेस को भी संभालता है, वो एक्ट आउट करने एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है और एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। इनफैक्ट सपोर्टिंग कास्ट में भी जैसे विलियम डेफो हो गए और जितने भी अलग अलग एक्टर्स है, सबका रोल बहुत ही प्रोमिनेंट था। और डायरेक्टर मैरी हैरन ने तो अपने उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया है, मतलब उन्होंने काइंड ऑफ ए केस स्टडी किया उस कैरेक्टर के ऊपर, वो समझते हैं कि हमारी जो एक पूरी एक सोसाइटी है जिसमें हम भी रह रहे हैं उसमें एक ऐसा कैरेक्टर रह रहा है और वो अपनी कैसे अपनी वॉयलेंट फैंटेसीज को जी रहा है। तुम्हें पता है इनिशियली मुझे लगा था कि यार इसकी एंडिंग थोड़ी सी एम्बिगुअस सी लग रही है, पर थोड़े टाइम बाद जब मैंने उसको डिटेल में सोचा तब मैं समझा कि नहीं यार, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से खेल लिया है। लाइक जिस हिसाब से उस मूवी की एंडिंग रखी गई है, कैसे पैट्रिक बेटमैन के अंदर जो चीजें चलती रहती है, मतलब जो उसके माइंड में चलती रहती है, और जो हम समझते हैं उस मूवी को पूरा ओवरऑल लेके, वो एक्चुअली अपने आप में एक वन पीस शो था। देखो, मूवी को रिलीज हुए अभी 22 साल पूरे हो चुके हैं और मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली पॉलिटिकली करेक्ट ज्यादा है या उसमें सटायरिकल बहुत ज्यादा कॉन्टेंट है, पर मैं वो चीज रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ कि यार मैंने एक ही मूवी के अंदर एक ही कैरेक्टर के थ्रू इतने सारे इंसान, जानवर, कुत्ते सबको मरते हुए देखा हो। मतलब तुम समझ रहे हो, चाकू, चेनसॉ, गन, सबसे मैंने लोगों को मरते हुए देखा इस मूवी के अंदर, विच वॉज एक्चुअली नॉट सो इजी टू वॉच। उसमें बहुत ही ज्यादा ग्राफिकल सीन्स भी है और बहुत सारे लोगों को वो चीजें एक्चुअली अनकंफर्टेबल बना भी देती हैं। और हाँ, इसमें मिसोजिनिस्टिक अप्रोच का भी बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया गया है, ये पूरे ना सोसाइटी के अंदर हेट भी जरूर लाएगी, एज वेल एज इसमें बहुत सारा एनिमल वायलेंस है। और इसका जो एक ओवरऑल अप्रोच है वो एक्चुअली डिस्क्रिशन के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा पॉइंट आउट भी करता है, और मैं चाहता हूँ कि आज की डेट में जितनी भी कमर्शियल मूवीज बन रही है हम उसमें काइंड ऑफ उसका एक टिंच फ्लेवर देख पाए, मतलब इस मूवी का, जिसमें वायलेंस को भी बहुत ही स्मार्ट वे में फोकस करके दिखाया गया, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बींग ग्रूसम। देखो यार, अमेरिकन साइको मूवी के अंदर तुम्हें कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है, कोई भी मॉरल्स नहीं मिलने वाला है, वो बस तुम्हें जितनी भी डीप साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटीज होती है जो कि एक आदमी, जो एक नॉर्मल आदमी होता है, वो
एवरी डे सफर करता है उसके बारे में फोकस करके बताती है। और हाँ, इससे पहले कि जितनी भी फेमिनिस्ट है वो कमेंट्स में लिखने लगे कि यार इंसान ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, मैं बता दूं कि यार ये मूवी एक्चुअली एक लड़की ने ही डायरेक्ट की है, इसलिए इस बारे में तो बिल्कुल मत बोलना। सो या ओवरऑल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर, थ्रिलर, फैंटेसी एज वेल एज बहुत सारी कॉमेडी, एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, एंड इट इज डेफिनेटली अ कल्ट क्लासिक मूवी। सो या आई एक्चुअली एंजॉयड दिस मूवी अ लॉट एंड आई एम रेटिंग दिस मूवी 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई गेस आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।